अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब खैरियत से। अहलन व सहलन सियारा, कैफ हालुक। बाहर बैठ के व्लॉग नहीं बनता भाई, वल्लाह यकीन ऐसे। अच्छा, तो अभी मैंने जाना है होंडा की डीलरशिप पे, गाड़ी का ऑयल वगैरह चेंज कराना है, इसकी अलाइनमेंट करानी है, व्हील सेट वो सारी जो चीजें होती हैं अलाइनमेंट में, जो 10,000 के बाद और 15,000 के बाद जो सर्विस होती है ना, वो वाली करवानी। दो दिन पहले 14 मई को मेरी बर्थडे थी, लेकिन उस दिन बहुत बिजी था, मैं नहीं बना सका। बिजी ऐसे नहीं कि घूमने फिरने गया हुआ था या दोस्तों के साथ, छोटे मोटे सिमर्स हैं भाई हमारे, एक दो ही दोस्त हैं। रात को घर वालों के साथ केक कट किया और उनके साथ ऐसे ही घुमा फिरा, ऐसे बस दिन निकल गया था, पता ही नहीं चला, स्ट्रीम भी नहीं की। जितने हजारों लोगों ने विश किया, वल्लाह यूज़िम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था अखवान इतने सारे लोग विश करेंगे बर्थडे। इस इतनी तेज गुजरती हुई जिंदगी में थोड़ी बहुत खुशी हो जाती है। वल्लाह 23 साल यार, साल गुजर गए वल्लाह। मेरी एक दोस्त होती थी, मैं एक दो साल पहले ये बातें होती थी हमारी, पता क्या सीन होता था कि यार 22 साल तक है हम, तो 22 साल तक बहुत अच्छा फील होता है यार। 22 साल तक मतलब 22 साल तक आप ठीक हो यार, लगते हो कि हाँ अभी हो, अभी आप दुनिया। जिस दिन 23 साल के हो, बड़े हो गए हैवान, रुक जाओ सबर कर जो, इतना जल्दी टाइम क्यों गुजर रहा है, रोको इसको, कोई बंदा रोके। अच्छा, तो रात को जैसे मैं घर पहुंचा ना, मेरे दिमाग में एक ऐसी शरारत सूझी, मैंने कहा कि आमिर चीमा की लाश क्यों ना बिछाई जाए, शबाब ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं। मैंने उनको बोला कि आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू, स्ट्रेट पहले मैसेज लिखा, कोई सलाम वलाम नहीं, कोई गाली नहीं दी। हमारे आमिर भाई मेरी बात ऐसी गालियों से स्टार्ट होती है, वल्लाह ये बहुत हरामी है यार। तो मैंने सीधा लिखा कि आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू, एटलीस्ट आई डिजर्व अ हैप्पी बर्थडे काकू, मैं यू लिव लॉन्ग या जो भी। और दो तीन कुछ मैंने ऐसे बहुत ना जो दिल पे लगते हैं ना मैसेज, वो कर दिए। मैं अपनी तरफ से तो लाश बिछा रहा था उनकी, सही है। मुझे क्या पता था कि वो अपने घर वालों के साथ बिजी हैं, थोड़े मसले में फंसे हुए। उनकी छोटी बेटी का नाम इशाल है, माशाल्लाह से बहुत प्यारी सी बच्ची है वो, उसको लेके वो हॉस्पिटल गए हैं, थोड़ा उसकी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। टीमा साहब अपनी परेशानियों में घूम रहे, सही है। मैंने उनको मैसेज कर दिया, उन्होंने पकड़ के सीधा 25,000 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। वल्लाह अजीम मैं शौक में, 25,000 रुपए मैंने क्या कर दिया, 25,000 रुपए सीधा सेंड कर दिए, तब मैं चढ़ गए। तुम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते, ये चीमा जो है ना, कसम से ये बहुत बड़ी चीज है, वल्लाह बहुत बहुत अच्छा इंसान है। जो भी बात है ना, बेशक जो हम जितनी मर्जी इनकी लाश पे, लेकिन ये इसके जैसा दिल का बंदा कोई भी नहीं है, वल्लाह यजीन। एक गिफ्ट नहीं था, एक तरह का ना सदमा ही दिया था, 25,000 रुपए। लेकिन अखवान वल्लाह 23 साल गुजर गए, 23 साल जिंदगी में, वल्लाह बहुत जल्दी टाइम गुजर रहे, कसम से पता ही नहीं चलता। अभी एक साल पहले क्या हो रहा था आंखों के सामने, वो मनाजिर आते हैं मेरे जब 50,000 फॉलोअर्स हुए थे, वल्लाह वो वाले मनाजिर अभी भी मेरी आंखों के सामने गुजरते हैं। 50,000 वाले दिन, कौन कौन लोग मेरे साथ थे, क्या हो रहा था, और अब हैवान 50,000 फॉलोअर्स आज से 1.5 साल पहले हुए थे, 1.5 साल उड़ गया है, कसम से खत्म। अच्छा, तो अब मैंने जाना है होंडा डीलरशिप, इसके जरा काम वाम कराते हैं, और एक मिनट सबर करो अखवान, इतनी देर से ड्राइविंग कर रहे हो। तुम लोग भी कहते हो कि हर व्लॉग में काकू एक ही चीज दिखा रहा होता है, तुम लोगों को आज भी दिखाकर एक मिनट सबर यार, ये देखो कि आज भी लाश बिछी पड़ी है, हराम। कौन उंगलियां मार जाता, पता नहीं कौन लाश बिछा जाता है इसकी। कल पता क्या सीन है, कल मैं उधर गया, कल यार आंटी घूर घूर के देख रही है, बढ़ गए भाई ऐसे देखते हैं अखवान, वल्लाह मजनून पागलों की तरह देखते हैं। ये देखो हाई ऑक्टेन की लाश बिछी नजर आ रही है थोड़ा सा रह गया। कल पेट्रोल पंप गया तो जो गाड़ी के ऊपर कवर चढ़ाते हैं ना, गाड़ी के कवर, असल में मुझे लगा कि यार कवर के अंदर कैसे गाड़ी मैली हो सकती है, रोजाना हर 2 दिन के बाद मैली, ऐसी मिट्टी की मिट्टी लाश बिछी होती है उसकी। जहाँ से गाड़ी की सर्विस करवाता हूँ ना, वहाँ पे जाके मैंने उसको कवर दे दिया, मैंने कहा भाई इसको धो दे, सारे फसाद की जड़ है, फकिंग हेल या हराम। लाश बिछी टायर की और क्या, कल्ली वल्ली ऐसे मुश्किल है। गाड़ी को जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ ना, तो इधर एक मिनट अभी आएगा ऑप्शन, हैवान किधर गया है, आ क्यों नहीं रहा है, ये ऑयल लाइफ लिखी आ रही है ना, 9 और 10 के साथ गए इस जगह पे, यहाँ पे ऑप्शन सा एक बना होता है हर बार, अभी पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। जब से ऑयल लाइफ की 1500 लाइफ हुई है तब से आ रहा है। इसकी सर्विस करवाते हैं भाई, ठीक करवाते हैं इसकी, ज़रा लाश बिछवाएं। कल गाड़ी की लाश ऐसे भी बिछी, कल मैं इसको स्टार्ट करूँ, स्टार्ट ही ना वो टक 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 इस तरह की आवाज़ आने लग गई, बैटरी की भी लाश बिछ चुकी है, न्यू बैटरी लगवाई और अब बाकी ऑयल वगैरह चेंज करवा के फिर चलते हैं गाड़ी को वॉश करवाने। सही है यार, दूसरे लोग फ्री में मारे जाते हैं ना भाई, बदनाम तो हो ही गए हैं।
उसमें इंजन ऑयल आएगा 5000 का, ऑयल फिल्टर आएगा 1260 का, एयर फिल्टर आएगा 3900 समथिंग का, फोर व्हील ब्रेक सर्विस हो जाएगी, ब्रेक इमरजेंसी ब्रेक करनी पड़ती है, वो ABS ऑन होता है ना, हां हां ABS ऑन होता है वो, इसका जनरल सिस्टम। अच्छा चलो स्टार्ट करने पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एक ये सिविक RS टर्बो, लेकिन ये मॉडिफाई नहीं हुई हुई, तो हां जी हेलो जी, सबसे लल्ली सिविक है ये हाइवान, सबसे लल्ली सिविक। अल्लाह कसम से हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, लेकिन वल्लाहि अज़ीम इन लोगों ने इस शेप ला के ना, ये वाली शेप ला के लाश बिछा दी है इसकी, पीछे से इसकी शेप ना ना मैंने देखी भी नहीं है पीछे से शेप, आ हराम। जो जो बंदा समझता है सिविक एक्स सबसे सेक्सी सिविक है, नीचे कमेंट्स में आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि सिविक एक्स जो मेरे पास है वो वाली सिविक, या जो भी न्यू शेप आई है वो वाली सिविक, कौन सी वाली बेस्ट है। भाई वल्लाहि भूख लगी पड़ी है अभी बहुत गंदी वाली, सुबह से नाश्ता नहीं किया, अब जाके वो सब चीज़ें छोड़ दें जिससे जिम खराब हो, डाइट खराब हो, मोटापा हो, सब कुछ छोड़ दिया वल्लाहि, आज के बाद कभी नहीं कोशिश करके खाना पीना। यार फाइनली फाइनली काम स्टार्ट कर दिया, एक घंटे के बाद लास्ट बिजली, अभी यहाँ पे रश बहुत है, शोर भी बहुत है, तो व्लॉग्स व्लॉग तो बनना नहीं है, बस अभी ऑयल चेंज करना है, व्हील अलाइनमेंट्स वगैरह सारी होगी इसको उठा के, जैसे ये सीन ही हो रहा है, ये हो रहा है हाइवान यहाँ मच्छी मार्केट पे। वो एक गाड़ी को ऊपर उठाए ना, अभी एक चीज देखते हैं इसमें, इस भी हाल होना इसका, ओ बढ़ गए भाई। ये स्टार्ट स्टार्ट में जब मुझे नहीं पता था ना कि नीचे साइलेंसर लगता है, तो मैं स्पीड ब्रेकर से स्पीड से गुजरता था, तब की लाश बिछी हुई, तब से खौफ पैदा हुआ, स्पीड ब्रेकर से आराम से गुजरती है। यार भी ये देखो नीचे से लग लग के लाश बिच गई है इसकी, कज़ा वल्ला। यार देखो मैंने व्लॉग बनाने से ये एक हाथ से वेप पीना होता है, और मैंने स्टेयरिंग व्हील थोड़ी देर छोड़ देना है, सही है, ताकि नॉर्मल स्पीड में मैं चिल करता रहूँ, लेकिन अब वो ऐसे चलाते चलाते रेस से अगर कोई दुश्मन मिल जाए फिर लगा दो तो अभी खत्म हो गए शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आती है, इसी वजह से गियर नहीं, मतलब मैं गियर को हाई स्पीड में शिफ्ट एस पे बिल्कुल नहीं करता, गाड़ी को स्टिल करता हूँ पहले, उसके बाद कोई भी स्पीड ब्रेक कराते हैं ना वहीं पे मेरी हमेशा रेस स्टार्ट होती है, स्पीड ब्रेक कराया मैंने एस पे क्लिक किया, वो भी यही कहता है पर उनका गियर उड़ गया, तो गियर अगर उड़ जाए उसका क्या हाल है। 7.5 लाख का गियर, 7.5 लाख रुपये, ये प्लेन होगी पीछे वाली जैसे काफी लाइन लाइन की बात कर रहे हैं ना, बिच्छी लाश हाइवान तुम्हारी बिच्छी लाश। बिल देने की बारी है, लाश बिछवाने की बारी है, 18000 कुछ बिल लग रहा है, कितना टोटल बिल है इसका, इसका टोटल बिल में अभी 18470। ये गेट पास भी दिया हुआ है, बाहर नहीं निकलने देंगे लली के बच्चे, और ये सारा अभी जो इसने चलाया, ये सारी जो ड्राइविंग ड्राइव कर रहा था, यार वल्लाहि अज़ीम टायर की लाश बिछी पड़ी है हराम में, मैं तो अपनी तरफ से आराम से रेस लगाता हूँ, चेस ले रहा होता हूँ, हराम 12000-13000 का तो एक टायर है, सब कुछ सही हो गया, मतलब अब ये सारा कोई यहाँ पे साइंस बने आ रहे थे वो साइंस भी सारे खत्म हो गए हैं, कार वॉश करानी है, लेकिन कार वॉश अभी मैं नहीं करा रहा हूँ, वल्लाहि अभी इतनी तलब हो रही है ना, मेरा वेप मेरे साथ नहीं, अख़वान यहाँ पे जगह ही सारी खाली खाली नजर आ रही है, से वेप ना हो ना गाड़ी चलाने का दिल ही नहीं करता, हाई ऑक्टेन भी नहीं डलवाना, सीधा चल के घर से वेप उठाता हूँ, वेप उठा के एक दो कश लगाऊंगा फिर थोड़ा, कल मैंने इसकी बैटरी चेंज करवाई थी, बैटरी बिल्कुल ना एंड हो गई थी, डेड हो गई, स्टीयरिंग व्हील है ना बहुत हल्का हो गया, लाइक पहले इसको मुझे थोड़ा सा वैसे ही होता है नॉर्मली, बहुत सॉफ्ट होता है इनका स्टीयरिंग व्हील जो होता है, लेकिन बैटरी चेंज करवाने के बाद स्टीयरिंग व्हील ऐसे मुझे फील हो रहा है कि हल्का हल्का हो गया, पता नहीं ऐसा है या नहीं। आईफोन में चार्ज बिल्कुल खत्म हो गया था तो भागता हुआ खड़ा हूं, मैंने पकड़ के इतना बड़ा आईपैड, 11 इंच का आईपैड उठा के व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया, ये वेप रहा, इसको एक मिनट स्टार्ट कर, और ये इसका फ्लेवर भरने वाला है, थोड़ा सा फ्लेवर रह गया इसके अंदर, पता है ये वाला फ्लेवर जो है ना खत्म हो गया था, सिर्फ और सिर्फ 5 दिन चला, ये देखो ये अब यहाँ से नजर आएगा, ये नजर आ रहा है कितना फुल हुआ हुआ है, ये महीने के लिए फ्लेवर होता है, मैंने सिर्फ और सिर्फ पकड़ के 5 दिन के अंदर खत्म कर दिया, बहुत ज्यादा वो यार, इसको कैसे पकड़ू।
शबाब 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 वल्लाही अज़ीम अभी सोनाटा 2.5 वाला कि मुझे कह के ये लिल्ली के बच्चे हाइवान इसको मैं आज गाड़ के रखूंगा, वल्लाही इसको आज मैं गाड़ के रख दूंगा। अखवान कहता हूँ खुली रोड के ऊपर चल के ड्रैग रेस करते हैं। मैंने कहा बिट्स आई एम डाउन फॉर इट, ताल हिलाया हराम। शायद व्लॉग ना बना सकूं क्योंकि मुझे दो हाथ से रेस लगानी पड़ेगी, लेकिन आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा ये वाली रोड है, यहाँ पे अभी हम लोग ड्रैग रेस लगाएंगे, सही है। तो कैमरा बॉन्ड रहेगा, मुझे दो हाथ से ड्राइव करना पड़ेगा इसको, मैं बोलता हूँ थ्री हॉर्न पे करना है। कैमरा यहाँ से ऐसे ऑन रहेगा, सही है। थ्री हॉर्न पे आप करेंगे हॉर्न में। नाइस, वेरी गुड, वेल प्लेड। ओके ब्रो, अल हाफिज। यार तुम लोग क्यों नहीं समझते हो ये गाड़ी मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन देती है। ओ जा रहे लल्ली का बच्चा, बुलाया हाइवान। मैं ऐसी गाड़ी चला रहा हूँ, सही है, आराम से नॉर्मल रोड पे सोनाटा वाला आया, मुझे क्रॉस किया, सही है, क्रॉस किया, मैंने कुछ नहीं कहा। एक दफा फिर वो आहिस्ता हो गया स्पीड, उसने आ जाओ लिल्ली के बच्चे तो पागल, तो फिर उसके सामने जाके शीशा नीचे किया और इस तरह उसको स्मोक मारी। कहता आज उस रोड के ऊपर चलते हैं, ड्रैग रेस लगाते हैं। मैं वल्लाही उस सीटा मैंने कैमरा ऑन, काकू भाई सिर्फ और सिर्फ तुम बोलते रहते हो कि गाली बहुत मुझे सेटिस्फेक्शन देती है, कभी हलाया भी है तुमने कि नहीं? चोर में आ रहा भाई सोनाटा 2.0 लेके, लिल्ली के बच्चों गाना लगाओ यार, गाना लगाओ वल्लाही। अच्छा। फिर आपने जब कहा लाहौर की गर्मी बहुत बढ़ रही है, मैंने कहा वाह यार ये तो इधर ही रहता है, फिर आप मैंने देखा, मैंने कहा इसकी तरफ पहुंचना पड़ेगा, मैंने कहा यार ये तो हमारी सोसाइटी का ही है। मेरा नाम सलार है, इसका नाम उमर है। सलार एंड उमर, चलो सही है, आपको कल के ब्लॉग में ऐड करूंगा, ठीक है। यार इस मस्जिद में ना, इस मस्जिद में रमजान में पता है क्या सीन होता था, रमजान में इतना रश होता था, तुम लोगों की सोच है वल्लाही। मतलब वो होते हैं ना मौसमी नमाजी, उनका रश होता था और उनमें से मैं भी एक था। शबाब नमाज पढ़ने के बाद जो शक्ल पे नूर आता है, नजर आ रहा है? मेरी शक्ल पे नूर नजर आ रहा है, वही लाश बिछी हुई शक्ल की। हेलो इस्मानी, चुप। जब ये फ्यूल फुल नजर आते हैं ना, आए आए हाय हाय चस आती है वल्लाही। अख्वान वल्लाही जस्ट दो घंटे जिम गया हूँ, सही है, दो घंटे जिम से वापस आने के बाद हाइवान पर चीज़ें खाता हूँ। यार यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, सही भी देखना। यार आराम
यार बढ़ गए भाई कसम से, अभी अभी इसकी सर्विस करी, अभी इसको पॉलिश करवाया है, लाश बिछ गई है हैवान की, कल जाना भी था आखवान, फिर सुबह उठ के कपड़ा मारना पड़ेगा। अभी इस पे ना कपड़ा मार के बल्कि अभी मिट्टी पड़ी हुई है, स्क्रैचेस पड़ जाने हैं, वल्लाह हराम मसले ही मसले यार, अभी फड्डा हुआ है, सही वाला है, सही है। अल्हम्दुलिल्लाह यार ये फैन निकल आए। मैंने कहा ओवरटेक कर रहे हैं आज फड्डा होगी, कोई तो मिल गया, मैं घंटे से यहाँ ख्वारी कर रहा हूँ, कोई मिल जाए रेस लगाने के लिए, आगे आप मिल गए, सॉरी ब्रो सॉरी। नहीं नहीं कोई नहीं, मैं आपको हॉर्न भी दिया, मैं कहा भाई रुको, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था, कैसे हो आप? आंखों का काजल ना फैले अब कभी भी, तुझे इतना प्यार लाश की लाश ना बचा दूं मैं। वैसे हवा नहीं चलती आज, इतना सेक्सी मौसम हुआ है भाई, और वो भी मिट्टी मिट्टी की मिट्टी लाश बिछी हुई है, यहाँ से मेरे ख्याल से नजर आ रहा हुआ है, ये सही पूरी की पूरी मिट्टी चढ़ी हुई है। इंस्टाग्राम @4ekaku वहाँ पे लाजमी फॉलो करना। चला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अनसी देन। Yeah.